ऊना के कुटलैहड़ को उपरोजगार कार्यालय मिल गया है। पंगाणा उपरोजगार कार्यालय का शुभारंभ करने के लिए उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र कंवर भी मौजूद रहे। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने उपरोजगार कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ के हल्के से 75,000 की आबादी से जुड़े हुए युवाओं को इसका फायदा मिलेगा और सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी भी लोगों को मिलेगी। ऊना के कुटलैहड़ को आज उपरोजगार कार्यालय मिल गया है। आज बंगाणा उपरोजगार कार्यालय का शुभारंभ करने के लिए उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ ग्रामीण विकास मंत्री बरिंदर कंवर भी मौजूद थे। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने उपरोजगार कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ के हल्के से 75,000 की आबादी से जुड़े हुए युवाओं को इसका फायदा मिलेगा और सरकार की चलाई गई योजनाओं को जानकारी भी लोगों को मिलेगी। अब यहाँ की युवाओं को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, अब उन्हें यहीं पर इसका फायदा मिलेगा। उपरोजगार कार्यालय खुला है। मैं अपने इस क्षेत्र के वासियों का और कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ कि अब उनको लंबे दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और बंगाणा में ही उनका नाम रजिस्टर होगा और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ इस समय उसको रिन्यू करना है तो ये सारी चीजें ऑनलाइन होंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसा मैंने ये पढ़ा है, लगभग 75,000 की जनसंख्या को ये जो रोजगार कार्यालय है इसकी सेवा मिलेगी। निश्चित तौर से यहाँ से पढ़े लिखे नौजवानों के लिए एक अच्छा शुभ अवसर मिलेगा और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्कीमें चलाई गई हैं उन स्कीमों को भी आसानी से चलाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चलाए छोटे से ब्रेक का ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद।